लगातार सूचना मिल रही थी कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नाम पर सांची स्थित एक होटल के डोरमेट्री में बन्ना गुप्ता कोविड हेल्पलाइन सेंटर का संचालन हो रहा है, जिसकी सत्यता मालूम करने के लिए ग्लोब टीवी की टीम वहां पहुंची। तब इत्तेफाक से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी थोड़ी देर बाद अचानक सांची स्थित बन्ना गुप्ता कोविड हेल्पलाइन सेंटर पहुंचे। बताया गया कि यह हेल्पलाइन सेंटर कांग्रेसी नेता राहुल गोस्वामी के होटल परिसर में संचालित है। यहां कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा गुहा, अपने टीम के सदस्य मुख्य रूप से सांची प्रखंड अध्यक्ष राहुल गोस्वामी, जुगसलाई बिष्टुपुर प्रखंड अध्यक्ष अभिजीत सिंह एवं एनएसयूआई के दिनेश कुमार के साथ मिलकर कोरोना संक्रमित मरीज एवं बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खाद्य सामग्री का पैकेट तैयार कर रही थी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोविड हेल्पलाइन सेंटर द्वारा संचालित कार्यों का जायजा लिए तथा सेवा के कार्यों में जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किए। उन्होंने विशेषकर अपर्णा गुहा की प्रशंसा की तथा हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। श्री गुप्ता सेवा के कार्य में लगे सदस्यों को धरती माता का सच्चा संतान बताया। उन्होंने कहा कि आज जब लोगों को अपनी जान की चिंता लगी, ऐसे वक्त में सेवा के कार्यों में जुटे लोगों की पहल प्रशंसनीय है। उन्होंने बातचीत के दौरान अपर्णा गुहा को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि वो जल्द ही एक एम्बुलेंस बंग समाज को देंगे, चूंकि यह उनका चुनाव पूर्ण वादा था जिसे वो पूरा करेंगे। इस दौरान श्री गुप्ता से झारखंड के संदर्भ में पूछे जाने पर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर झारखंड की परिस्थिति को बदलने का काम हो रहा है, जिसमें काफी हद तक सुधार भी हुआ है। वहीं कोरोना के थर्ड वेव के बारे में कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से इससे निपटने के लिए तैयार है, सारी तैयारियां की गई है। विपक्ष के बाबूलाल मरांडी द्वारा सरकार पर उठाए गए सवालों पर उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। सिर्फ इतना कहा कि हमारी सरकार को 10 बातें कहने से यदि 10 लोगों का भला होता है तो हमें ऐतराज नहीं है। हमारी सरकार जनता की सेवा करने का लक्ष्य लेकर आगे काम कर रही है और जनता की सेवा ही हमारा प्रधान लक्ष्य है। अंत में उन्होंने पूरे झारखंड की जनता से कहा कि लोग 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धोए बार बार, बाकी संभालेगी हेमंत सरकार, कहकर अपनी बात पूरी। सबसे पहले सर आपको तो प्रणाम। और इस कोविड महामारी में जैसे आप निरंतर काम कर रहे हैं, जिस लेवल में आप काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद झारखंडवासी की तरफ से। सर ये जो आज आप आए हैं, इनका एक बड़ा सा हेल्पलाइन ग्रुप चल रहा है, इनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए हमारे छोटे भाई हैं अभिजीत सिंह जी हैं, राहुल गोस्वामी जी हैं, हमारी बहन है अपना गुआ जी हैं, और इनका पूरा टीम मिल के बहुत बेहतरीन तरीके से समाज हित में, मानव हित में काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि अभी आपदा की एक घड़ी है जिसमें कोविड-19 के विभीषिका से लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। वैसे परिस्थिति में हमारा अभिजीत भाई, राहुल गोस्वामी जी और अपना और इनका टीम जो है अपनी जान जोखिम में डालकर और पूरी बिना अपना और अपने परिवार की चिंता किए बिना लगातार इन लोगों ने जो है ज़रूरतमंद लोगों को अनाज भी बांटा है, उनको खाद्य सामग्री भी बांटी है। साथ ही साथ इन लोगों ने प्रयास किया कि जब अस्पताल वगैरह में मरीजों को भर्ती होने के लिए ज़रूरत पड़ रही थी तो वैसे समय में लगातार ये लोग मेरे संपर्क में थे और लगातार हमको जो है बता रहे थे कि भैया यहाँ ये ज़्यादा सीरियस है, इसको ज़रूरी है। फिर इन लोगों ने ऑक्सीजन वगैरह, सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था की। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो छोटे भाइयों का हमारा ग्रुप है, ये निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन इन लोगों ने जिस तत्परता के साथ, जिस मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम किया है, तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से पहले इन्होंने अपनी माँ भारती के जो बेटे हैं, माँ भारती के जो लाल हैं, उसका फर्ज ये पूरा कर रहे हैं। मैं इनको बहुत धन्यवाद देने आया हूँ, बहुत शुभकामना देने आया हूँ, इनका उत्साहवर्धन करने आया हूँ और उम्मीद है कि ये उसी तर्क और तर्ज पर और बेहतर काम करेंगे ताकि लोगों में ये विश्वास हो कि नहीं, नौजवान राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बाद में हैं, पहले माँ भारती के बेटे हैं और हम सब मिलकर इस कोविड-19 की इस विभीषिका से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। इसके लिए मैं इनको शुभकामना दे रहा हूँ। सर आप ये बताइए कि कोविड-19 का जो प्रकोप है हम लोग का झारखंड में, कहाँ तक इसका रिजल्ट क्या आपको लग रहा है, कैसा स्थिति है? नहीं देखिए, कोविड-19 का जो द्वितीय चक्र आया था वो बहुत ही पहले चक्र से ज़्यादा खतरनाक था और हमने द्वितीय चक्र को भी हम लोगों ने बहुत
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे आदरणीय रामेश्वर आलमगीर आलम साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, और काम करके इस आपदा की घड़ी में हम लोगों ने इस परेशानी से बहुत हद तक राहत पाई है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अभी भी हम लोगों को और भी काम करने की ज़रूरत है, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बात से भी हम आशंकित हैं कि जो तीसरे चक्र में जिस तरीके से बात कही जा रही है, लेकिन राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ अपनी जनता के जान माल की रक्षा करने के लिए, इस वैश्विक संकट से मुक्ति के लिए हम वचनबद्ध हैं, और हम हर स्तर पर उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन बेड हो, चाहे CCU, SDU, ICU हो, या उससे संबंधित जो दवाइयां हैं, तो सारी चीज़ों पर हम लोग गहनता पूर्वक काम कर रहे हैं, और हम हर विपरीत परिस्थिति को संभालने के लिए राज्य सरकार तैयार है। और हम आपके माध्यम से भी ये कहेंगे कि लोगों को जरूर 2 गज दूरी मास्क ज़रूरी, और थोड़ा सैनिटाइजर, थोड़ा हाथ धोना, और थोड़ा सा एक दूसरे से दूरी बना के काम करने की आवश्यकता है। बाद बाकी सारी चीज़ों पर राज्य सरकार दृढ़तापूर्वक काम करे। जैसे कि बोला जा रहा है कि हॉस्पिटल में कल बाबूलाल जी के एक स्टेटमेंट आया था कि सफिशियंट फैसिलिटी नहीं है, तो इसमें आप कुछ बोलना चाहिए? देखिए, चूँकि इस विपदा की घड़ी पर हम कोई भी राजनीतिक बात नहीं करना चाहते हैं, और ऐसे भी स्वास्थ्य विभाग कोई राजनीति का विषय नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मानवता का विषय है, और मानवता के दृष्टिकोण में दल का कोई स्थान नहीं होता है। और कौन क्या कह रहा है ये हमारे लिए बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये बड़ी चीज़ है कि हम कैसे करके अपने मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उनके घरों तक पहुँचा दें, यह हमारे लिए बड़ी चीज़ है। और कोई यदि हमको और हमारी सरकार को 10 बुरा बात भी बोले और 10 आदमी का मदद करे, तो हम कहेंगे कि 10 बुरा बात हमको स्वीकार है, लेकिन 10 आदमी की मदद करो। तो आप इस आपदाओं की स्थिति में चाहते हैं कि आपको सब अपना पार्टी सारा चीज़ भूल के एक मानवता कर लेके आगे आए और इस समय काम करें? ये तो देश की पहचान है ना। ये तो कोई हम ऐसी बात तो नहीं कह रहे हैं जो बात कोई हम अलग से कह रहे हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है, हमारी पहचान है, हमारी परंपराएं हैं, हमारा धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो, हर धर्म यही कहता है कि हमको सबसे पहले मानवता की रक्षा करनी है, और मानवीय दृष्टिकोण सबसे प्रथम हमारा जो है लक्ष्य होता है। इसलिए अब दल दल की बात मैं समझता हूँ कि राजनीति का ये विषय नहीं है, और राजनीति का जब विषय आएगा तब राजनीति की बात करेंगे। धन्यवाद। लहराने अब रणभूमि में आई है, मातृभूमि की रक्षा करने ये तलवार उठाई है। विजय पताका लहराने अब रणभूमि में आई है, मातृभूमि की रक्षा करने ये तलवार उठाई है। भारत माँ की लाज बचाने हो, भारत माँ की लाज बचाने आई घड़ी बलिदान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि जो आप लोग खाद्य सामग्री सबको प्रदान करा रहे हैं, इसमें क्या क्या कर रहे हैं, कैसे करें, हमें थोड़ा बताइए। देखिए, DTC बन्ना गुप्ता कोविड हेल्पलाइन टीम जो हमारी है, आज जो वैश्विक महामारी कोरोना आई हुई है, इस दौरान हम लोगों ने
बेड के माध्यम से, प्लाज्मा के माध्यम से और अपने मंत्रालय के माध्यम से जो भी सेवाएं हम लोग कर पाए हैं और आप आज भी आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके की त्रासदी अभी जो हुई कुछ दिन पहले, बाढ़ हुआ और उसके बाद में कोरोना से जो लोग घर में परेशानी हुई, उस पर हम लोग जो है सूखा राशन का आज वितरण करेंगे। तो जिसपे आज हम लोगों ने प्याज है हमारे इसमें किट में, आलू है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो प्याज है, आलू है, आटा है, तेल है, नमक है, सोयाबीन है, इस तरीके की सारी चावल है, ये सारी चीज़ें जो है आज हम लोग वितरण करेंगे। ये कहाँ कहाँ आप वितरण कर रहे हैं? ये अभी हम लोग को जो शास्त्री नगर है वहाँ पे जो लोग है वहाँ पर हम लोग वितरण करेंगे। जी संचर पानी घुसा हुआ है, जी जी जगह पानी घुसा है। तो ये कितना दिन से आप लोग कर रहे हैं? जी कितना दिन से आप लोग कर रहे हैं? ये अभी हम लोग तो वैसे बहुत दिन से काम कर रहे हैं, अभी कुछ इससे पहले हमने किन्नर को दिया, इसके बीच हम लोग राजीव गांधी जी की जयंती में भी हम लोगों ने बांटा, काफ़ी दिन से हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये किसी बैनर तले कर रहे हैं या कैसे? निश्चित रूप से हम जिला कांग्रेस कमेटी और बन्ना गुप्ता कोविड हेल्पलाइन टीम के माध्यम से हम लोग इसे कर रहे हैं। कितना टीम है आप लोगों का, कितना जन? हमारी टीम में देखिए कांग्रेस पार्टी हमारी बड़ी टीम है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इसमें अपर्णा गुहा जी हमारी जिला की वरीय उपाध्यक्ष हैं, बिष्णुपुर दुक्सलाई के प्रखंड अध्यक्ष मेरे भाई अभिजीत सिंह जी हैं और मैं राहुल गोस्वामी साकी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, दिनेश हमारे NACY के, हम लोग सब मिल के जो है पूरा कर रहे हैं। आगे क्या प्रोग्रामिंग है? देखिए आगे हम लोग की तैयारी पूरी है और जिस जिस तरीके से हम सीमित संसाधनों के साथ में जहाँ भी हमें सूचना मिलती जाएगी हम आगे कार्य करते हैं। आप लोग जो काम कर रहे हैं इसके बारे में कुछ हमें दर्शक को बताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी में पूरा देश परेशान है, आम जनता काफ़ी परेशान है, तो इसको देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी एवं DC ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम दिया गया बन्ना गुप्ता कोविड हेल्पलाइन टीम। इस टीम के मार्फत हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर उनके घर पर पहुँचा दिया। जैसे अभी आपने देखा इस महामारी में लोगों को बहुत सारी दिक्कतें बेड को लेकर हो रही थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं था, तो हम लोगों ने अपने संपर्क से उन लोगों को बेड दिलाया, प्लाज्मा दिलवाया और बहुत सारी ज़रूरतें लोगों को जो थी वो हम लोगों ने मुहैया कराया। अभी जैसे इस कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा परेशान गरीब तबका है, उन लोगों के पास रोजी रोटी की दिक्कत है, उन लोगों को खाने का काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने कुछ किट बनवाया है जो हम उन मजदूर दिहाड़ी मजदूर को दे सके। इसमें आप देख सकेंगे कि जैसे आटा है, चावल है, प्याज है, आलू है, जो ज़रूरत मतलब जो उनके खाने के जो ज़रूरत चीज़ होती है वो सब इसमें मिला हुआ है। तो आप लोग का पूरा टीम जैसे काम कर रहे हैं, अभी तो कोविड पेशेंट के साथ साथ बाढ़ पीड़ितों को भी आप लोग जी सर सेवा कर रहे हैं? जी जी, अभी जो पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी जब जमशेदपुर में, तो निचले इलाके में पानी भर गई थी तो लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो उसको देखते हुए ये सारा बना किट बनाया गया जिसको हम लोग कदमा रामजना नगर में वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर। तो ये जो आप लोग जो सारे चीज़ व्यवस्था करा रहे हैं कहाँ से हो रहा, कैसे हो रहा? ये अपने हम सारे हमारे कमेटी टीम के मेंबर जो है मुख्य रूप से साक्षी प्रखंड अध्यक्ष राहुल गोस्वामी जी, अपर्णा गुहा जी जिला उपाध्यक्ष, हमारे NACY के दिनेश जी है, हमारे मैं हूँ और सब हम सब मिलकर अपने से योगदान करके ये उपलब्ध करा रहे हैं। आपका परिचय एक बार बताएं। मैं अभिजीत सिंह जुगसलाई बिष्टुपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। दीदी आप बताइए जो आज आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं इसके बारे में कुछ, जितना सेवा आप लोग किए हैं कैसे किए, कैसे और भी करेंगे थोड़ा बताइए। कोविड डिसीज से कोविड बन्ना गुप्ता हेल्पलाइन टीम के द्वारा आज हम लोग काम कर रहे हैं। आज कोरोना जैसे महामारी जिस तरीके से आए थे कि ऑक्सीजन से लेके बेड से लेके प्लाज्मा से लेके लोगों का जो इतने परेशानी हुआ था, सभी समस्याओं का हम लोग समाधान किए हैं। और ये हेल्पलाइन टीम जो हमारे छोटे भाई जिन लोग हैं, जैसे हमारे साक्षी प्रखंड के राहुल गोस्वामी जी है, हमारे बिष्टुपुर प्रखंड जुगसलाई प्रखंड अध्यक्ष अभिजीत सिंह है, हमारे NACY के छोटे भाई दिनेश है, तो हम लोग एक टीम बना के हम लोग कंटिन्यू हम लोग दिन रात युद्ध स्तर पे हम लोग काम किए हैं। और हम तो बोलेंगे कि हम लोग अभी भी देखिए ये राशन बांट रहे इसलिए कि अभी कोरोना के बीच में फिर एक बाढ़ का एक समस्या आ गया, तो लोगों का तो ऐसे ही देखिए लॉकडाउन में खाने पीने का काफ़ी मैंने परेशानी हो रही है। और ख़ास करके आप देखिएगा कि गरीब जिन लोग हैं, गरीब दुर्गा उन लोगों को तो हम लोग बांट ही रहे हैं, पर मध्य स्तर जिन लोग हैं
उन लोग तो किसी को बोल भी नहीं सकते हैं, मांग भी नहीं सकते हैं, पर उन लोग को भी हम लोग को सुनना है। तो हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित किए हैं, जरूरतमंद लोगों को, कि उस जगह पे जाके आज हम लोग जाके हम लोग राशन देंगे, उस दिन पहले हम लोग किन्नरों को भी दिए हैं। तो ऐसे करके हम लोग ये चीज़ हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी भी हमको लगता है कि कोरोना से अभी भी जंग बहुत लोग ऐसे हैं कि लड़ रहे हैं, और उसी लड़ाई में जब तक ये कोरोना नहीं हटेगी, उस जंग में हमारे जो टीम है, हमारे छोटे छोटे भाई लोग हैं, हमको लगता है कि जो हम लोग का टीम है, हम लोग सब समस्या का समाधान हम लोग करेंगे, वो दिन हो या रात हो, हम लोग 24/7 हमेशा हम लोग तत्पर है काम कर रहे हैं। जी, बोला जा रहा है कि अभी कोरोना महामारी के समय सभी नेतागण, सभी जो विधायक है, सब अभी अंडरग्राउंड हो चुका है, कोई आ नहीं, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कोरोना में जो दिख रहा है विधायक लोग और जो बोल रहे हैं कि हमारे जैसे देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे जो बन्ना गुप्ता जी है, हमारे मंत्री जी है, मंत्री जी तो एकदम जमीनी स्तर पे हमारी काम कर रही है, और हम लोग मंत्री जी से जुड़ के हम लोग को एक हमारे जिला कांग्रेस से और मंत्री जी का वहाँ से एक आदेश आए हैं, और हमारे बादल पत्रलेख जी हैं जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी हमारे हमें दिशा निर्देश दिए हैं, जो जितने लोग हैं कोविड में पेशेंट की किसी भी कीमत पर आप लोग का सभी को सहयोग करना है जैसे भी करके। तो हम लोग उस दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। पर राहत साहब, आप सभी विधायक का बात कर रहे हैं, तो देखिए वो तो अपनी अपनी सोच है। जैसे हमारे परसोडी अंचल में देखिए, हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है कि कहीं काम करे कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, और हम लोग खुद अपने काम करें, और हम अपने को इतना हम लोग सक्षम समझते हैं कि आप देखे होंगे परसोडी में हमारे एक संस्था भी चलती है, और उस संस्था में आप देखें कि हमारी पूरी टीम काम कर रही है, महिला पुरुष सब मिलके तीनों टाइम हम लोग भोजन से लेके सब कुछ दे रहे हैं। तो हम लोग इतने अपने को सक्षम समझते हैं कि हम लोग खुद कर ले रहे। अब देखिए विधायक लोग जीत के नहीं कर रहे सेवा, तो उसके लिए तो अब उन लोग का खुद का जिम्मेवारी उन लोग को लेना चाहिए, अब नहीं ले रहे तो उसकी उनकी बात है, पर हम लोग तो जितना दूर हो सकेगा हम लोग सबको मदद करेंगे। धन्यवाद परिषद। अपर्णा गुहा, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष और DCC बन्ना गुप्ता हेल्पलाइन टीम के सदस्य।